नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन शख्सियत से जिन्होंने समाज में अहम योगदान दिया है और जनता जिनके बारे में जानने में दिलचस्पी लेती है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद है दीपक कबीर जी, जिनकी लखनऊ के कल्चरल स्पेस में सबसे ज्यादा मौजूदगी दिखती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं और इसी काम में वो पूरे पूरे साल एक्टिव रहते हैं। दीपक कबीर सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक कवि भी हैं और हमेशा अपनी कविताओं के जरिए समाज की कुरीतियों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद करते नजर आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि आपके आम इंसान से एक कवि और एक्टिविस्ट बनने के सफर की शुरुआत कैसे हुई? मुझे लगता है कवि हो या एक्टिविस्ट हो, सभी आम इंसान ही होते हैं और आम इंसान बने रहना उनका ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा सबके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत शायद शुरू में थोड़ा मेरे बाबा मुझे पढ़ाते थे पोइट्री वगैरह, तो क्लास 6-7 में मैंने कुछ कविताएं लिखने की कोशिश करी जी, जैसे बच्चे लिखते हैं। और क्लास 9 तक मैंने कई चीज़ें लिखी और अच्छी थी, लेकिन उनकी समझ बहुत सारी नहीं थी। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, मेरे घर पे मुझे मिल गई थी, साए में धूप जी। ये दुष्यंत कुमार की एक गज़ल, हिंदी गज़ल की बहुत पॉपुलर किताब है, बहुत ही ज़्यादा। वो साए में धूप पढ़ने के बाद मैंने शायद उससे मेरे एक ख्यालात भी बढ़ गए होंगे और मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद मैं हिंदी में और उर्दू में दोनों में ही लिखता रहा। तो ये तो मेरा सफ़र था। चूँकि साए में धूप अपने आप में एक पॉलिटिकल पोइट्री है जी, मतलब वो आवाम की पोइट्री है। और मैं भटकता बहुत था और कुछ मैं बहुत छोटेपन से ही मोहल्ले के जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे उनको लीड करने लगा था, झांकियों में बोलना और दशहरा मनवाना, फिर एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनवाना, सेलिब्रेशन, ये सब शुरू करवा दिया था जी। तो शायद कहीं ना कहीं एक प्रोसेस ऐसा हो रहा था जो मुझे बता रहा था कि नहीं, आसपास के माहौल में कुछ करने की ज़रूरत। बचपना था लेकिन ये था जी। तो ये वो पहले लेसन्स थे जो मुझे मिल रहे थे कि लोगों के साथ डायलॉग कैसे किया जाए, उनसे बात कैसे करी जाए और जो है जैसा उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है जी। ये पहला स्टेप था, सही या गलत जो भी हो। बिल्कुल, अगर छात्र जीवन की बात करी जाए तो छात्र जीवन आपका कैसा रहा? क्योंकि जैसा कि हमको पता चला है कि आप LU के स्टूडेंट रहे, तो LU के स्टूडेंट बिल्कुल भी आम नहीं होते हैं। तो आपका छात्र जीवन कैसा रहा और कवि से सोशल एक्टिविस्ट बनना? नहीं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट पोएट हैं और बहुत सारे पोएट सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसमें कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है जी। लेकिन मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया था, मैं दो चीज़ें थी बचपन से, एक तो पता नहीं किस वजह से मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हुए भी मैं एथेइस्ट था जी, मैं नास्तिक हो गया था। उसने मुझे बहुत मदद पहुँचाई किसी भी बाउंड्री में बंधने से। मैं एक अर्बन समर मिडिल क्लास फैमिली का था, तो उसके दायरों से अपने आप टकराया, चाहे जाति के सवाल हो, चाहे धर्म के सवाल हो, चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट का सवाल हो, उसी प्रोसेस में। लेकिन बाकी दुनिया में मेरी जैसे टीनएजर्स होते थे, मोटरसाइकिल उस समय बहुत रेयर होती थी, पर इत्तेफाक से मुझे मिली हुई थी, तो मोटरसाइकिल पर घूमना, होटल्स पर बैठना और जितनी शरारतें दूसरे लड़के कर सकते थे वो सब हम लोग करते, ग्रुप में घूमना। और उसी में कुछ एक्सीडेंटल दो तरीके से दिमाग चल रहा था, एक बिल्कुल सड़क शाप, मतलब जो उद्दंड लोग होते हैं, और एक जो पढ़े लिखे पोएट्री फिलॉसफी की बात करने वाले, ये एक दोनों धाराएं चल रही थी। उसी बीच में कुछ बड़े झगड़े हो गए थे जी। और झगड़े ना चाहते हुए भी हो जाते हैं उस उम्र में। और उसमें पहले एक दुर्घटना हुई बड़ी, वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, कुछ लोगों की उसमें जान चली गई थी। उसके बाद एक और घटना हुई जिसमें मेरे खास दोस्त की मौत हुई जी, हम लोग सब चोटिल हुए, उसके गोली लग गई थी। वो उसके बाद हम लोग, मतलब मेरा मन हुआ कि मैं साइंस स्ट्रीम का था, तो मेरा मन हुआ कि मैं पोइट्री पढ़ूंगा और फिलॉसफी पढ़ूंगा जी। और पोइट्री और फिलॉसफी पढ़ने के लिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ एडमिशन लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो दिया। और पहली बार मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में घुसा था उस दौर में, फिलॉसफी, सोशल वर्क और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। लेकिन बाद में वो पढ़ाई कम हुई, फिर हम लोग पॉलिटिक्स में घुस गए जी। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग दुख दर्द से गुजरे होते हैं वो लोग कविताएं बहुत अच्छी करते हैं। आपने भी बताया कि आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद
आपने ये सब स्ट्रीम अपनी चेंज करी, तो क्या इस चीज में सच्चाई है, क्या कोई लिंक है कि जो लोग दर्द से गुजरे होते हैं क्या सिर्फ वही कवि बन सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत अधिक टूटन, कई बार होता ना टूटन जो होती है आपकी कई तरीके से निकलती है। मैं एक्सीडेंट की वजह से पोएट नहीं बना, मैं उसके पहले बहुत अच्छी चीजें लिख रहा था, बहुत कम उम्र में ही मैंने लिखी थी। हालांकि मैं उसे पब्लिश करने या शेयर करने में बहुत यकीन नहीं करता, मुझे अंदर कुछ रिजर्वेशंस हैं जी। तो इसलिए मुझे, मैं अपने आप को वो बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं लिख रहा था, तो उस घटना का इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था जी। वो मैं फिलॉसफी पढ़ने गया था, फिलॉसफी और लिटरेचर और सोशल वर्क जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था सोशल वर्क एक प्रोफेशन की तरह पढ़ाया जाता है। मैं उसे मान रहा था कि दुनिया का भला करने की एक पढ़ाई भी होती है जी। तो इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी गया था, पर यूनिवर्सिटी में ये सब टेम्परेरी फेज था। जाते ही यूनिवर्सिटी में मुझे फिर कुछ धरना प्रदर्शन में शामिल हो गया, और उसके बाद हम लोग का एक पहले से बड़ा ग्रुप था, इलेक्शन आ गए और फिर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए इत्तेफाक से। वो एक बड़ा इत्तेफाक था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात हो गई जिसका नाम था स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं उनकी मीटिंग में चला गया और पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बहुत जल्दी लीडर बना दिया, जबकि मैं उनके हिसाब से हाव भाव दिखने में वैसा बिल्कुल नहीं था जी। लेकिन SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो साथी मिले, जो किताबें मिली, जो बातें मिली, उन्होंने मुझे बिल्कुल बदल दिया जी। मुझे शायद उसी का इंतजार था, मुझे डी क्लास कर दिया। हमें हर चीज जो उस समय के लड़के हासिल करना चाहते थे वो हमें खराब लगने लगी जी। चका चौंध, रुपए पैसे, शोहरत, हमें डी क्लास होना सिखाया गया कि हम मोटरसाइकिल से जाते थे पर उसे छोड़ के फिर हम सड़कों पे वॉल राइटिंग कर रहे हैं, हाथों से पोस्टर बना रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जबकि पहले उससे पहले की जिंदगी में मुझे नाटक वाटक करने में शर्म आती, ये हम क्या कर रहे हैं जी। मतलब ये तो हम लोग तो बहुत दूसरी दुनिया के लोग थे जी। लेकिन सड़कों पर आपको नुक्कड़ नाटक करना पड़ रहा है, आपको चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा डब्बे में, जबकि हम लोग तो पैसे ऐसे ही मांग सकते थे। तो ये हमें इससे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, पर मुझे तो लग रहा था। फिर कुछ चैलेंजेस हुए और उसमें मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आ गए जी। पहले वो लोग ना इत्तफाकी रख रहे थे कि क्या हो रहा है तुम्हें, फिर वो सारे दोस्त आए और हम लोगों की ताकत भी बहुत बढ़ गई उन सबके आने से। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा ग्रुप तैयार हुआ जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करता था, जो पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस उस समय गुंडागर्दी का अड्डा था। उस समय माना जाता था जो जितना बड़ा दबंग है वही चुनाव जीतेगा और वही सब, मतलब आम छात्र उस समय भी थे, LU सिर्फ ऐसा अड्डा नहीं था, लड़के लड़कियां क्लास में पढ़ते थे अलग, वो छात्र नेताओं से डरते थे, छात्र नेता छात्र संघ पे बैठते थे, अशोक वाटिका पे। ये जो था ये तोड़ दिया हम लोगों ने। हमारे इलेक्शन के जुलूस में जब शहर में कर्फ्यू होता था, बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां जुलूस में शामिल होती थी, छात्र संघ भवन आती थी, कैलाश हॉस्टल से जुलूस निकलते थे, मतलब लड़कियों ने भी बहुत सपोर्ट किया, पॉलिटिक्स में आई, बहुत सारी चीजें हुई जी। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, उसी ने हमें पहली बार भगत सिंह से मुलाकात करवाई, मतलब भगत सिंह की किताबों से, उसने हमें आजादी के आंदोलन को समझाया, उसने हमें जेंडर इक्वलिटी समझाई, वरना लड़के लड़कियों के प्रति दूसरे नजरिए रखते हैं और लड़कियां तो खैर मैं जान नहीं सकता था उस समय, हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। लेकिन आज आप लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे जानते होंगे 8 मार्च, जो सरकारी अखबारों में छपता था, सरकारें मनाती हैं, तब इस शहर में कोई नहीं जानता था उसे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, 94 में हम लोग पर्चे छाप के बांटते थे इंटरनेशनल वीमेंस डे के, तब एक प्रोटेस्ट डे था, एक विरोध की, महिलाओं की दुनिया कैसी होनी चाहिए, और उसमें हम लोगों के नाम होते थे और दो चार झूठे लड़कियों के नाम, क्योंकि कोई लड़की नहीं हमारे साथ थी जी। पर हम लोग 93-94 में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते थे। तो ये सब मुझे सिखाया उस स्टूडेंट फेडरेशन की पॉलिटिक्स। तो कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए कि अपने ग्रुप में लड़कियों को भी शामिल करना, जो इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने साथ में लड़कियों को लेकर आना? नहीं, वो चुनौती नहीं थी, वो झिझक थी, हम लोग शर्माते थे, मतलब शर्माते ऐसे नहीं थे, मतलब मन करता था, लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा था कि अगर आप पॉलिटिक्स, अगर आप लीडर हो तो आपको उजड़ गंदे अंगोछा बांध के सर पे ऐसे बैठना है, और अगर क्लासरूम के अलग, तो ये, अब मैं पॉलिटिकल लीडर था, इलेक्शन भी लड़ता था, तो मैं कई बार चाहा कि भी, वैसे बहुत कोशिश करी जी। तो ये एक तरह का हेजिटेशन था जो हम उस समय नहीं दूर कर पा रहे थे, झिझक थी, और हम लोग बॉयज स्कूल के पढ़े हुए थे तो लड़कियों से बातचीत करने में उतने कम्फर्टेबल नहीं थे, वो ज़माना भी थोड़ा दूसरा था बहुत जी। लेकिन बाद में बहुत लड़कियाँ जुड़ी, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जुड़ी और पूरे मूवमेंट को संभाला। इवन जब मैं 96 में जेल गया
वो मेरी दूसरी जेल थी। तो उस समय जब मैं यूनिवर्सिटी में था, आज मेरे वो सारे दोस्त, एक दोस्त जो मेरे साथ मेरी बैरक में था वो मंत्री है इसी सरकार में, एक हमारे साथी विधायक हैं विपक्ष की ओर से। और तो उस समय मैं जेल में ही था जब बाहर एक कॉन्फ्रेंस हुई और मेरी जगह, मैं सेक्रेटरी था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट फेडरेशन का, एक लड़की को चुना गया सेक्रेटरीशिप। तो वो लोग चढ़ा रहे थे, देखा आप जेल आए, आपकी जगह किसी लड़की को बना दिया गया। तो ये था, मतलब ऐसा नहीं था, लड़कियां फिर बाद में आई। जी, तो जैसा कि आपका सफर रहा है, आपने जेल भी गए, गिरफ्तारी भी हुई, 12 बार गिरफ्तारी हुई है, तो आपकी फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा, आपकी फैमिली आपके इस काम को कैसे देखती थी? देखिए, गिरफ्तारी तो मेरी 12 नहीं, कम से कम 25-30 बार हुई है। जी। जेल मैं 4 बार गया हूँ। जी। लेकिन ये सब पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, लेकिन केस तो क्रिमिनल लगा दिए जाते हैं। जी। मतलब कोई अलग से आपके लिए ये नहीं होता कि भाई ये भूख के सवाल पर या रोटी के सवाल पे या बिजली के सवाल पे आंदोलन कर रहे थे, केस यही लगाया जाएगा कि आप जो है आप क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाएगा, तो ये तो मजबूरी है। जी। लेकिन मेरे परिवार थोड़ा अजीब था, मतलब नॉर्मल भी था लेकिन अजीब इसलिए था कि मेरे पापा भी टीचर्स यूनियन के लीडर थे। जी। तो वो तो 2-2 महीने जेल में रहते थे, तो मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी मुझे पैदल पैदल जेल ले जाती थी। तो और मुझे याद है जब एक बार मैं पहली बार जेल गया और वो मैं जिस इशू पर गया था, आज मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ और मुझे थोड़ा ख़राब लगता है कि तब मेरी समझ इतनी नहीं थी, मैं रिजर्वेशन मूवमेंट के खिलाफ था और आंदोलन कर रहे थे। आज मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा था। तो तोड़ फोड़ आगजनी जो उस समय के स्टूडेंट करते थे, और उसी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, मैं पढ़ता नहीं था वहाँ, तब 12th में था या 11th में था, तो मुझे अरेस्ट किया गया और जेल में गया, थाने गया, फिर जेल गया। तो जब मैं वहाँ से छूटा, मेरी जमानत भी दूसरे कॉलेज के टीचर्स ने कराई। जी। तो मैं आधी रात में आया हूँ या सुबह कुछ, तो जब मैं घुसा हूँ तो घर में, तो मेरे दोस्तों ने खबर दे दी थी, उन्हें पता चल गया था मैं पकड़ा गया। तो मैंने कहा मैं जेल गया था, वहाँ से आया, तो सबने कहा आ गए हो ना, सो जाओ, अच्छा खाना खाना हो खाओ ना सो जाओ, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। तो मुझे थोड़ा सा दुखी हुआ कि ये क्या है, मतलब इतनी बड़ी जगह से आए, कोई चिंता नहीं। फिर मैं निकल गया एक कैरम क्लब में, कैरम खेलने निकल गया कि किसी को कोई मेरी चिंता ही नहीं है। जी, आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, उसके लिए लगातार वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी चाहेंगे। एज अ सोशल वर्कर आपने आज तक कौन कौन से बड़े काम किए जिसने काफी परिवर्तन मिला है समाज में? नहीं, मैंने बहुत बड़े काम नहीं करे, मैंने बहुत मामूली काम करे जो सभी लोग कर सकते हैं और करते रहते हैं। लेकिन मैं जेंडर इश्यूज पे थोड़ा काम करता था, मैं कविताएं लिखता था, मेरे लिखे गाने थोड़े गाए जाते थे। और उसके बाद मैं एक ऑफिशियली कहें तो मैं एक कैंपेन्स में मीडिया में चला गया था, और मीडिया के अंदर उस समय ऐसा दौर चल रहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने स्विच ओवर कर लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं मदद कर रहा था, बाद में उनकी मीटिंग कंडक्ट करने लगा तो उनको लगने लगा कि इनको तो जोड़ लेना चाहिए। और मैं एक इंटरनेशनल कैंपेन से जुड़ गया जिसका नाम था वी कैन कैंपेन, वी कैन एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान था जो 18 देशों में चल रहा था। जी। और जिसमें साउथ एशिया चैप्टर में 6 देश थे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और कोई एक जो छठा देश मैं छूट रहा हूँ। तो इन देशों के अंदर की गतिविधियां और खासतौर पे इंडिया के अंदर, यूपी को मैं हेड कर रहा था, और इंडिया के जो कम्युनिकेशन पार्ट है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए पूरे इंडिया में, तो उसे 50 लाख लोग जोड़े गए थे, क्योंकि वो इस थ्योरी पे बेस्ड था कि अमर्त्य सेन की एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि औरतों पर जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जो भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, इसके चलते अकेले हिंदुस्तान से 40 लाख औरतें गायब हो चुकी हैं, मिसिंग वीमेन कहते हैं उन्हें। और पूरे साउथ एशिया में ये आंकड़ा 50 मिलियन का है, मतलब 500 लाख आप कह सकते हैं, 500 लाख औरतें गायब हो चुकी हैं जिनको आज हमारे बीच होना चाहिए था। मिसिंग वीमेन कॉन्सेप्ट इस पे काम कर रहा था, तो इतने ही चेंज मेकर्स उसे जोड़ने थे। जी। तो उसमें उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और जहां भी था, उत्तराखंड, झारखंड में जाता था। जी। उनके ट्रेनिंग देता था, वर्कशॉप देता था, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट समझाता था, क्यों इक्वलिटी लाइफ में ज़रूरी है, कैसे हम अच्छा, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ज़रूरी है। जी। तो इसमें मुझे मज़ा भी आया और मैंने बहुत काम किया, पोस्टर्स बनाए, उसके लिए चीज़ें लिखी, उसके लिए मॉड्यूल्स तैयार करे। ये मैंने 2012 तक ऑफिशियली काम किया। जी, कई बार हम अपने जीवन में टूटा हुआ भी महसूस करते हैं, आप एक कवि भी हैं, तो जब आपको ऐसा महसूस होता है तो कौन सी पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं?
मैं गुनगुनाना आता ही नहीं मुझे जिंदगी में, मैंने एक गाना गाया है जी। वो गाना नहीं है, वो नारे हैं, इसलिए मैं लगा पाता हूँ लोग। वो तो शलभ श्रीराम सिंह का लिखा हुआ एक गीत है जी। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर, कहाँ गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए, तो इनकी झूठी बात पे न और एतबार कर, कि तुझको सांस सांस का सही हिसाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब सवाल दर जवाब है कि इंकलाब चाहिए। ये तो ये गीत मैं बहुत गाता हूँ और ये मुझे अकेला आता है, लेकिन पोइट्री है तो टूटना क्या, कभी आप उदास हो सकते हो, कभी आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कभी आपको बेवजह के बदनामियाँ हो जाती हैं, कभी आपके पर्सपेक्टिव को आप जैसे हम आए, आप फोन आए, आपने कहा इंटरव्यू देना है जी। मैंने नहीं कहा, आप चाहते थे कि मैं आऊँ, किसी ने ढूंढा कैसे ढूंढा, लेकिन अगर बाकी लोग कहें कि देखो इनको तो इसलिए करते हैं कि उनको ये वाहवाही चाहिए तो यहाँ पे अपनी बात बोल रहे हैं, तो आपको गलत समझे जाने की तो तकलीफ होती है कभी कभी वो, लेकिन जब बड़े मकसद होते हैं तो आप ये सबको इग्नोर करते हैं। आप किस किस से लड़ोगे जी। मुझे लगता है कि इस समय देश बहुत चुनौतियों से जूझ रहा है, तो इतनी गैर बराबरी बढ़ चुकी है, इतना वायलेंस है, इतनी नफरत है, हेट पॉलिटिक्स है, तो जब आप बड़े लोग, आपके पास 24 घंटे हैं, लिमिटेड एनर्जी है, तो आप छोटी छोटी चीजों से उलझिए या बड़ी चीजों से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, CNRC के मूवमेंट में भी आप जुड़े थे और आप जेल भी गए थे, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको काफी प्रभावित किया, आप उस मूवमेंट से जुड़े और आपने जेल जाना भी मंजूर किया। देखिए जेल कोई अगर जेल भरो आंदोलन होता है तो हम लोग कहते भाई हमको जेल ले चलो जी। हम जेल नहीं कहते, जेल हमको पकड़ के बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे जी। हुआ ये था कि CNRC है क्या जी। अभी आपके पास, मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग जिनके पास भी आधार कार्ड है, आप जानते हैं ना इस देश में कुछ अजीब चल रहा है कि आधार कार्ड, पहले जो अभी आजकल सरकार है वो कहती है आधार कार्ड गैर जरूरी है, जब कांग्रेस ला रही थी, फिर उसने सब पर हर चीज़ पर आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार जरूरी नहीं है, आपके पास वोटर कार्ड है ठीक है, आपके पास राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, कितनी पहचान चाहिए एक इंसान को इस देश में। अब आधार कार्ड या वोटर कार्ड में आज तक 30 सालों से चल रहा है, आज तक आपके पास कभी पिता का नाम गलत हो जाएगा, कभी पत्नी का नाम गलत हो जाएगा, कभी मोहल्ला गलत हो जाएगा, कभी डेट ऑफ बर्थ, आज तक नहीं सही हो पाया है। उसके बाद भी देश चल रहा है, आज तक हमारा देश पिछले साल कोविड के दौरान कितने लोग मरे उनका डेटा नहीं इकट्ठा कर पाया, कितने बेरोजगार हुए उनका डेटा इकट्ठा नहीं है। हमारा देश जब इतनी चीजें नहीं कर पा रहा है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो एक चलते हुए देश में हम NRC ला रहे थे, CA अपने आप में अलग चीज है, NRC उसके साथ जोड़ दी गई है कि हम सबके रजिस्टर बनाने लगेंगे। मैं इस देश में बड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल सवर्ण हूँ, हिंदू हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाबा का नाम अलग है, मेरे बाबा का नाम डॉक्यूमेंट में अलग है, मेरे पापा के रजिस्टर में अलग लिखा है, मतलब SD शर्मा लिख देते हैं वो SD मिश्रा लिख देते हैं, मेरे पापा का जो नाम UD उपेंद्र दत्त है, मेरे में केवल उपेंद्र लिखा हुआ है। इतने भर चीजों से हम लोग नागरिक रजिस्टर में उसमें आ जाएंगे संदेह में, और फिर हम तहसीलदार और जो भी अधिकारी होंगे उसके चक्कर लगाएं दौड़ें, और तब तक हमारा जो नागरिक अधिकार है वो भी स्टे हो जाएंगे, हम वोट नहीं डाल पाएंगे, चीजें नहीं दे पाएंगे, तो पूरा देश सिर्फ चक्कर काटता रह जाएगा। असम के अंदर NRC लागू हुई जी। असम पहला जगह है जहाँ पे हुआ, वहाँ 18 लाख के लगभग लोग लिस्ट से बाहर नागरिकता के हो गए, उसमें 14 लाख तो आपके हिंदू थे, जो आपका जो सेना का मेजर है, जो बड़ा अधिकारी रहा है, वो तक NRC रजिस्टर में नहीं है, वो नागरिक ही नहीं है। तो ये जो तमाशा, इसकी क्या जरूरत है इस समय, देश के अंदर सबको रोटी मिल जाए, सबको पानी मिल जाए, सबको इलाज मिल जाए, ये ज्यादा जरूरी था जी। तो सरकारों ने केवल ध्यान हटाने के लिए किया था, और CA का क्या है, नागरिकता कानून, हर आदमी, जो भला आदमी वो चाहता है कोई भी देश से परेशान हो, अगर उसको राहत चाहिए तो आ जाए जी। आप हम भी चाहते हैं, अगर हमारे देश के पास इतना खाना है तो पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं के लोग आ जाएं जी। लेकिन आप ये भेदभाव थोड़ी करोगे, जो परेशान है वो आए, लेकिन गोरा आदमी आ जाए काला ना आ पाए, ये तो फिर इंसानियत नहीं हुई ना। तो जो भी परेशान है उसके लिए करो, जब आप उसे धर्म के आधार पर बांट दोगे कि केवल हम इस धर्म वाले को आने देंगे, इसको नहीं आने देंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है, और ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है जी। और उस संविधान की शपथ लेकर आप बनते हो,
बाकी भारत के कानून में किसी को भी नागरिक बनाने की पूरी सुविधा है। भारत में इसी सरकार के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के में वो व्यक्ति जो भारत की सेना के खिलाफ लड़ा, दुश्मन हुआ ना, उसके बेटे को भारत बुलाया, उसको नागरिकता दी, उसको पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जी। वो जो सिंगर है, मैं नाम भूला हूँ, जेबा का हस्बैंड जो लिफ्ट करा दे गाना गाता, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो नागरिकता तो आप वैसे भी दे सकते हो एक मुसलमान को, एक पाकिस्तानी को, एक दुश्मन लड़ने वाले के बेटे को, तो फिर क्या दिक्कत थी। तो कुल मिला के ये सब ध्यान हटाने के लिए था, डराने के लिए था, ताकि रोटी के लिए, महंगाई के लिए, पढ़ाई के लिए लोग ना बोलें जी। तो हम इस नीति के खिलाफ थे, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन में गए थे वहाँ पे जो है, और बिल्कुल शांतिपूर्वक था वहाँ पे। फिर बाद में मुझे अगले दिन मैं कुछ लोगों को छुड़ाने गया था थाने जी। तो मुझे भी बंद कर दिया, वही धाराएं लगा दी, मुकदमा लगा दिया, 307 लगा दिया, बाद में एक दो और FIR मेरे ऊपर कर दी जी। तो उनकी सरकार के लोग भी जानते हैं, इस शहर को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं, उनके समर्थक भी जानते हैं कि दीपक कबीर कभी ऐसा नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर, है तो है जी। अगर बात करी जाए आपके प्रोफेशन की, जिस तरह से आप कभी भी अपनी कविताओं से कई मुद्दे उठाते हैं और जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप किन चीजों को और प्रमुखता से उठाएंगे? हम किन चीजों पे, मतलब मुझसे, हमें, मैं तो चाहता हूँ कि हमें वो उठानी ना पड़े जी। इस देश में देखिए, अगर मोहब्बत रहे, अमन रहे, बराबरी रहे, जाति को लेकर कोई किसी को सताए ना कि आप दलित हो तो ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, छुआछूत ना रहे, लड़कियों को भी हंसने और बोलने का हक मिले, लड़कियां भी बाहर निकल सकें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के, हम लोग रात में 12 बजे बैठ के चाय पी रहे हैं, लड़कियां वो नहीं हासिल कर सकती। तो एक सिक्योर हो, कोई भी बीमार, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आज़ादी के इतने साल बाद बगल में लोहिया हॉस्पिटल है, आपके जाके देख लीजिए, आप देखिए कैसे तड़पते हुए लोग हैं, पैसे नहीं है, इलाज महंगे हो गए हैं, तो ये देख के कौन चुप बैठेगा जी। ये दुनिया हम ऐसी थोड़ी, हम अभी परसों भगत सिंह के दोस्त शिव वर्मा के बनाए शहीद शोध केंद्र में गए थे, यहीं पर है, भगत सिंह को जिन्होंने फरार करवाया था, दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोहरा की वाइफ जी। जो उनकी हैट वाली वो तस्वीर है, उसमें दुर्गा भाभी उनको लेके गई थी कोलकाता, उस समय इतना डर था, उसके बावजूद दुर्गा भाभी ने लखनऊ में स्कूल बनाया जी। आजादी के बाद, और शिव वर्मा भगत सिंह के दोस्त थे, काला पानी की सजा काट कर आए थे, उन्होंने यहाँ शहीद शोध केंद्र बनाया। आप उसके अंदर जाके देखिए, तस्वीरें देखिए, 20-20 साल के लोग, 18-18 साल के लोग, कितने लोग मरे, कितनी शहादतें हुई, कितनी सब खत्म करके आपने इस देश को बनाया था, क्या इन दिनों के लिए बनाया था हमने? आपको जरा सा भी रिग्रेट नहीं होता है? कितनी लड़कियों ने कुर्बानी दी, कितनी महिलाओं ने, कितना सब खेत जेवर सब दे देते थे जी। और वो एक, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, जहाँ लोग मिल के रहें, जहाँ लोग खुश रहें, जहाँ पे मजदूरों को अधिकार हो, जहाँ किसान भी खुश रहें। आज आप देखिए, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मतलब कितना अडानी और अंबानी की दौलत कोरोना में बेहिसाब बढ़ गई है, बैंकों का खा गए, और बाकी आप अपने घर में एक बल्ब एक्स्ट्रा जला लें, आपकी बिजली काट ली जाएगी, आप झोपड़ियाँ उजाड़ रहे हैं, हर घर के आगे चले जाइए गोमती नगर में, 6 कारें खड़ी होंगी और हर कार एक झोपड़ी के बराबर जगह लेती है, क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? वो सड़क पे खड़ी हो रही है, वो कार कहाँ जाएगी? लेकिन वो एक झोपड़ी के आकार का, वो जहां भी रहेगी वो एक झोपड़ी की जगह ले रही है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन आप जो बेचारा कूड़े के पास रहता है, मजबूरी में कोई बल्ब जलाता है, उसकी बिजली काट देते हो, उसको उजाड़ देते हो, आप इस भारत के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी, शेमफुल है। ये जब तक नहीं बदलेगा हम लोगों को बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए, हम चुप नहीं रह सकते। अभी तक के आपने अपने जो करियर है उसमें कई आंदोलनों में भाग लिया है, लोगों के लिए काम किया है, आपको सबसे बेहतर काम आपका कौन सा लगता है? आपको लगता हो कि आप उस काम से सेटिस्फाइड हो, आपने उस काम को करके मतलब अच्छा काम किया है? मतलब देखिए, हमारी कोई लड़ाई हमने जीती नहीं है, हम लोग सिर्फ हारते हैं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने वो काम किया, तो आप अपने काम से सेटिस्फाइड रहे हो, जनता के लिए आपने आवाज उठाई, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें भाग लिया? नहीं, हमने बहुत सारे, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कई चीजें हम लोगों ने करी, जैसे जिस कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ, जेंडर कैंपेन, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सारे लोगों से मैं कन्विंस करने में, उनको जोड़ने में, मुझे रिग्रेट था कि गुजरात दंगों में मैं कभी नहीं जा पाया था, और यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसकी राहत के लिए, मेरी वाइफ गई थी वहाँ मदद करने के लिए, बाद में वहाँ की एक दोस्त ने कहा था कि तुम्हारा गुनाह है कि तुम नहीं आया मदद के लिए, तो तुम आओ। तो वहाँ गुजरात के लोगों के बीच में जब जाके मैं ये बातें करता था उनके नौजवानों के साथ कि नहीं, हमें एक मिला जुला भारत चाहिए जी।
वो मुझे राहत देता था। मुझे नौजवान लगातार करियर की अंधी दौड़ में फंस गए हैं, वो पढ़ ही वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने दस्तक यूथ फेस्टिवल शुरू करवाया अपने साथियों के साथ, जहाँ पे थिएटर, म्यूजिक, पोएट्री, डिबेट और एक ऐसा माहौल होता है जहाँ बच्चे 3 दिन तक सीखें और खूब रचें, वो मुझे बहुत राहत देता है। जब हर तरफ नफरत की बात हो रही थी तो लखनऊ में कबीर फेस्टिवल शुरू हुआ जी। कबीर फेस्टिवल में चकाचौंध और कॉरपोरेट के पैसे से नहीं चलता था, वो आम लोगों की मदद से कबीर फेस्टिवल होता था और उसके अंदर बेहतरीन थिएटर होता है, बंबई से आती है थिएटर की टीम, म्यूजिक होती है और लोग मिलते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर हमें यही सब करने, अभी भी एक कल एक यात्रा को हमने यहाँ से रवाना किया, कल BNA में कार्यक्रम चल रहा था, तो यात्रा 5 प्रदेशों के कई जिलों से निकल रही है, उसका नाम है 2.5 आखर प्रेम। तो वो मोहब्बत का मैसेज लेकर जा रही है कि अमन से रहो और आज़ादी के जितने भी स्थल हैं या जो भी साहित्यकार और क्रांतिकारी हैं उनके घरों से मिट्टी उठा रही है और इकट्ठा कर रही है, जैसे भगत सिंह जालियांवाला बाग कांड से मिट्टी उठा कर लाए थे जी। तो मुझे इस तरह के जो कल्चरल टेस्ट लिए हुए चीज़ें होती हैं और उससे कुछ लोगों तक फैलता है तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आप काम करते हैं जनता के लिए, तो क्या लोगों में भी ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने दुष्यंत कुमार का जिक्र किया था, तो मैं दुष्यंत कुमार का एक शेर पहले आपको सुनाता हूँ कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो जो है, पहली चीज़ यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और दूसरा मैं एक साहिल लुधियानी की एक लाइन के साथ 3 लाइनें जोड़ के कहता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं। अमन के वास्ते, अमन के वास्ते, बराबरी के वास्ते, सबको मिले हुकूक, खुशी सबके वास्ते, तहजीब के शहर से तरक्कियों के रास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। तो हमें एक कल के लिए एक ख्वाब बुनना चाहिए जहां सबको शांति हो, सबको न्याय हो, बिना न्याय के शांति नहीं हो सकती। बिल्कुल, और सबके साथ बराबरी होगी तभी सबको न्याय माना जाएगा। तो ऐसी दुनिया बनाओ, हम सबको पैदा होना है और सबको मर जाना है। कुछ लोगों को हो सकता है जन्नत मिले, उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको स्वर्ग मिले, पर हमें भगत सिंह की तरह यही लगता है कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये जो जिंदगी का सफर है, इसे अगर हम लोगों को खुश करते हुए और खुद भी खुश रहते हुए बिता सकें तो बहुत अच्छा है। बाकी कोई शोहरत, कोई दौलत किसी काम की नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी जीवन से जुड़ी कहानी बताने के लिए, साथ ही ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और कवि दीपक कबीर जी जुड़े थे, जिनके जीवन के बारे में हमने जाना और जाना कि किस तरह से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आए, किस तरह से वो एक आम इंसान से कवि और साथ ही साथ जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट बने, कैसे उन्होंने सोशली मुद्दों को उठाया और साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी को भी उठाने में अहम योगदान दिया है। आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कहानी। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।